तुम देना साथ मेरा वो हम नवा। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? मैं कब से आपका नंबर ट्राई कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा है। देखिए, मुझे बड़ी मुश्किल से आपका एड्रेस मिला है। मैं इतनी दूर से यहाँ आपसे मिलने, ये सुनने के लिए नहीं आई हूँ कि आपने वो बंगला बेच दिया। देखिए मैडम, आपसे सिर्फ बात हुई थी, लेकिन डील कोई और कर गया। और वैसे भी आपको एक बात बता दूं, वो नंबर जो था ना, वो मैंने सिर्फ बंगला बेचने के लिए लिया था। मेरा बंगला बिक गया, मैंने नंबर बंद कर दिया, क्योंकि लोग जो है फोन कर करके परेशान करते हैं। हेलो, मैं कारपेंटर श्याम बोल रहा हूँ। वो आपकी मिसेज ने बुलाया था, फर्नीचर का साइज देखने के लिए कहीं जाना था, पर भाभी जी घर पे है कि नहीं। अच्छा, एक काम कीजिए श्याम जी, ये नंबर लिखिए, मेरी वाइफ का है, आप उनसे कॉल करके बात कर लीजिए, है ना। भाभी जी का नंबर है क्या मेरे पास, पर भाभी जी फोन उठा ही नहीं रही है। ओ अच्छा, श्याम जी 2 मिनट दीजिए, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। कहाँ चलेगी आपको? मैंने आपसे कोई बयाना लिया था या आपको कोई जुबान दी थी? आपने फोन किया, मैंने आपको प्राइस बनी बता दी, उसके बाद आपने ना कुछ कहा और ना मैंने आपसे कुछ पूछा। मेरा बंगला था, अच्छी डील में मेरा बिक गया। हेलो श्याम जी। हाँ भैया। अच्छा सुनिए, लगता है हमारी वाइफ किसी अर्जेंट काम से गई हैं, आप कल आ जाएंगे? भैया आप इतना कह रहे हैं कि तो मैं फिर कल आता हूँ। थैंक यू श्याम जी। एटलीस्ट आप मुझे ये तो बता सकते हैं कि वो कौन था जिसने एक ही मीटिंग में डील डन कर दी? मिस्टर वैभव कपूर। तो आप हैं कपूर कंस्ट्रक्शंस के CEO मिस्टर कपूर? वैभव कपूर। आपके पास उनका नंबर होगा? नहीं, मेरे पास उनका पर्सनल नंबर तो नहीं है। हाँ, उनके ऑफिस का नंबर है जिससे मेरी बात हुई थी, मैं आपको वो दे देता हूँ। जी। देखो, देख यार, तू ये गलत कर रही है। तू उस बंगले के चक्कर में बावली हो जा रही है, और तुम मुझे फोन पे क्या कहता है, जल्दी आ जाए, मुझे काम है, ये काम है। इसके ऑफिस से टाइम वेस्ट करना। हाँ, तेरा टाइम तो बहुत कीमती है, चुपचाप चल। तो तेरी मदद करने आया हूँ, गजब बेइज्जती है यार। हाय, आई एम आकांक्षा बाजपेई। मैंने आपको कॉल किया था मिस्टर कपूर से अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन मैंने आपको फोन पे ही कहा था कि मिस्टर कपूर की तो आज बैक टू बैक मीटिंग्स हैं, बट स्टिल यू कैन वेट। अगर कोई मीटिंग कैंसिल होगी तो आई लेट यू नो। आई विल वेट। वैभव कपूर बस 2 मिनट मिलने के लिए मान जाए तो मैं उन्हें बंगलो बेचने के लिए कन्विंस कर लूंगी, और अगर रिक्वेस्ट भी करनी पड़ी ना तो कर लूंगी। तुम्हारे कमीशन का चेक आ गया है, दो-चार लोग बुलवा लो उठवाने के लिए, इस बार चेक बहुत भारी है। कपूर कंस्ट्रक्शन में एजेंट का चेक भारी ही आता है। देखा, थैंक यू बोल मुझे, तुझे यहाँ लाने के लिए। अक्कू, यहाँ आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है वैभव कपूर से मीटिंग करना, उससे मिलना। और हालत देख करके लगता नहीं कि हम कभी मिल पाएंगे, सुबह से लेकर शाम तक यहीं बैठ रहेंगे पर मिल नहीं पाएंगे, देखना। तो तुम्हें इस तरह इंतजार करते देख अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करो आकांक्षा, जानता हूं कि जो चीज आसानी से मिल जाए ना तो उसकी कद्र होती है और ना ही उससे मिलने में मजा आता है। थोड़ा और इंतजार। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।